अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं, जगह का नाम नहीं पता हमें, बेहतरीन जगह पर आए हुए हैं। सुबह सुबह का हम टाइम लेके चलता हूँ ऊपर की जगह से, दिखाता हूँ कि ऊपर से ये नीचे का व्यू और कितना प्यारा लगता है। आप और ये फोटोग्राफी हो रही है अब्दुल रहमान भाई, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया है। इन काका भाई की तस्वीरें ले रहे हैं, खूबसूरती की इंतहा काका भाई। ये जोधव हाथ हिला दे, गुड। अब यहाँ से आपको मैं व्यू दिखा दूँ, ये मैं पहाड़ी के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से क्या व्यू लग रहा है। जो भी खर्चा है इस व्यू का खर्चा है, हर जगह चर्चा है इस व्यू का खर्चा है, क्या बात है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत बड़ा नाम, गुलशन अजीज फेज टू का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अदनान भाई। जी अदनान भाई, व्यू के बारे में बताएं। सो अभी हम इधर आए हैं मरोड़ा बीच की साइड से, माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा व्यू है। ये हमारे साथ रही है, उन्होंने ये जगह एक्सप्लोर की है तो यहाँ पे आए हैं। माशाल्लाह जगह बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह आप यहाँ पे बाकी के सीन आगे दिखाएंगे इंशाल्लाह। साथी भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ बाकी साथी भी जुड़ चुके हैं, सात राजपूत। इस जगह का सिर्फ इन्हीं को पता है, आप लोग कमेंट में इससे पूछ सकते हैं इस जगह के बारे में। बहुत आप भी कैमरे में आ जाए, आपको बहुत आवाम देखना चाहती है। बस कह रहे थे कमेंट में, बहुत सुकून वाली जगह है, बेहतरीन जगह है, डाटो मत आयो मामा। कैमरे में टच जगह के बारे में थोड़ा बताए। ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी, बड़ा मजा आया, वीआईपी गेट लाइट। अवेश भाई आप क्या कहते हैं इस जगह के बारे में? बहुत अच्छी जगह, बड़ा सुबह सुबह हमने जैसी आगे गाड़ी से आंख खोली और हमने देखा गया ये खूबसूरत व्यू। हमने जब नमाज पढ़ी हमने बोला सुभान अल्लाह, जिक्र अज़कार की बरकत है, सुभान अल्लाह नहीं छोड़ना, सुभान अल्लाह जिक्र अज़कार नहीं छोड़ना। अवेश भाई की बात अपने पल्लू से मान ले, आगे की सीन्स आगे दिखाते हैं। रेडी है तरकारी, रेडी है, अब रह गया है सिर्फ पूरी। ये पूरी के लिए घी गर्म हो रहा है, जैसी ये फूल तेज गर्म हो जाएगा फिर पूरी डाली जाएगी। खाली खाली हमारी प्लेटें आ गई है, इंशाल्लाह ये भर भी जाएंगी आपकी दुआओं से। ये पुड़ियाँ भी आ गई हैं, पुड़ी आ गई है, खाना किसके साथ है वो हम देखते हैं। खाली खाली पुड़ी चेक करें, नहीं ये सालन है, नज़र नहीं आ रहा है, प्लेट बहुत ज़्यादा साफ है। अरे जिसकी प्लेटें हैं साफ, वाह यार, जो भी कैटरिंग की है, SR की है, JR की। एक के बाद ये सालन भी आ गया, सालन में चने ढूंढने, बाकी सब नजर आ रहा है। और आ गया हलवा, इसी का था जलवा। राजा भाई ये हमारे साथ भाई खिदमत में, इनको बहुत सवाब मिलेगा। चलो भाई बिस्मिल्लाह शुरू हो गई है, मैं भी शुरू करूँ, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। थक के इनका बुरा हाल हो गया, अब ये खाने के इंतजार में, जैसे ही खाना खुले टूट पड़े। अब देखते हैं बन क्या रहा है, भाई बिरयानी बना रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये भाई अभी ये मसाला और चिकन डाल चुके हैं कोरमे के लिए, दिखने में तो बेहतरीन लग रही है, खा के पता चलेगा जाएगा। ये भाई हमारे जिन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा, ये नहीं होते तो आज हम भूखे मर जाते, इनके साथ ये भाई भी थे। भाई ज़रा लाइक कर दे, ये बेहतरीन है। इसके ऊपर अभी आएंगे चावल, क्या चिकन के पीसेस डले हुए हैं, और इसमें जब आएगी चावल तो तबाही हो जाएगी। सीक्रेट मसाला है ये, कोई कोई बताते हमने बता दिया, इंशाल्लाह बस जायके में देखेंगे क्या सीन है। इसके साइड पे तिक्के भी बन रहे हैं, उसका भी सेटअप आपको दिखाता हूँ। तिक्के का सेटअप रेडी है, कोयले जल चुके हैं, दोपहर का मेन्यू तो दोस्त शहबाज के पास चलते हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था पार्कलैंड से, तो इनसे पूछते हैं इनको यहाँ पे आके कैसा लगा, पिकनिक के बारे में बताइए जो ऑर्गेनाइज की अब्दुल रहमान और साद राजपूत ने, क्या कहना चाहेंगे इस पिकनिक के बारे में? बात कुछ ऐसी है कि फील कुछ ऐसे है, ठीक है ना। इस भाई ने मुझे रात को कॉल करी थी कि आ जाओ पिकनिक है, ये देखें आप ये दोनों भाई, इनके बहन चोद वजूद है पूरे पूरे।
तो भाई आप लोग कभी भी अगर पिकनिक पे आने का सोचो ना, तो जो आपके दोस्त होते हैं ना, जो कहते हैं कि दोस्त अच्छे होते हैं, सोच समझ के स्टेप लेना। क्योंकि यहाँ पे बात हुई थी कि कढ़ाई मिलेगी आपको और सुबह के नाश्ते में छोले होंगे, कलेजी होगा, पूरी पराठा होगा। ये चाचा भी इनको भी चूतिया बना दिया। ये देखो अंडे वंडे कुछ नहीं दिए, गाड़ पे डंडे दिए। जमे गफीर है भाइयों, और ये बीच का नाम है मनोड़ा बीच। खूबसूरत बना हुआ है, नेवी के अंडर है, बेहतरीन जगह है। वेलकम टू मनोड़ा बीच। शहबाज भाई का देख सकते हैं आप, जब इनको भूख लगती है ऐसे खाना मांगते हैं। हर खबर का फल मीठा है, लेकिन लंबी है। आ चुके हैं, ये भी कहीं गए हुए थे नहाने वहाने, बिल्कुल मट्टी मट्टी हुए थे, अभी खूबसूरत इंसान बनकर आ गए। इनसे पूछते हैं इस पिकनिक के बारे में, इनको कैसा लगा। मनोड़ा बीच तो वैसे बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, लेकिन ये खूबसूरत होने के साथ साथ, पर्यटक होने के साथ साथ, पुरसकून होने के साथ साथ पुरखतर भी बहुत ज़्यादा है। पुरखतर क्यों है सर? पुरखतर इसलिए क्योंकि यहाँ के लहरों का पता नहीं चलता, छोटे छोटे खड्डे हैं, कभी भी इंसान को पीछे धकेल सकते हैं। और मेरे साथ इंसिडेंट अभी होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। बाकी ये है कि लहरें मई के महीने में और जुलाई के महीने में यहाँ तुरानी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एहतियात बरतनी चाहिए। खासतौर पर इस मंथ में पद्धे को बहुत एहतियात करनी चाहिए, और जाते हुए ये कोशिश करें कि वो ज़रा गहरे पानी में ना जाए। आपको मैं दिखा दूं, अगर इनके ताकुब में पीछे कितनी ज्यादा लहरें हैं, आवाम का रश है। कैनी बन गई है, खूबसूरत स्टाइल डालने का स्टाइल ही अनोखा भाई का। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं भाई, सिर्फ रंग डाल रहे सत्तार से पूछते हैं इनको यहाँ आके कैसा महसूस हुआ, अगली दफा ये आना चाहेंगे या नहीं। बताएं सत्तार, आपको मनोड़ा बीच आके कैसा लगा महसूस हुआ? जबरदस्त, अच्छी जगह लगी आपको? लेकिन ये है कि सुबह सुबह आओ और जल्दी बाढ़। लेकिन यार देखा जाए, अगर हम जल्दी आते हैं तो अभी रश जो बड़ा है, रश अभी आया आवाम का, ये जो आवाम का जमे का पीर है, मैं आपको दिखा दूँ। रश में एंजॉयमेंट नहीं होती। हाँ ये बात है, अकेले में होती है, आप कर ही नहीं पाओगे, इससे बेहतर है सुबह सुबह आओ और 12 बजे। तो आप आखिर में आप ये बोल देंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सत्तार भाई। आज अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ इस अपने पन के साथ कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और अब बस हमारे जाने का वक्त हो गया है, बहुत थक चुके हैं, घर जाके मन के सोना है। बस व्लॉग को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आखिर में जाते हुए भी अस्सलामुअलैकुम।